चक्र विधान को करने से कुष्ठ रोग कैसे दूर होगा? बोले साहब हुआ था उसका श्रीपाल का? नहीं हुआ था, संयोग हुआ था। चलो कोई बात नहीं, मैं ये पूछता हूं कि ये सिद्ध चक्र विधान मैना सुंदरी ने किया तो कौन सा वाला किया था? ये वाला किया होगा अपना? नहीं, ये वाला नहीं किया था। और कौन सा सिद्ध चक्र विधान है? था ही नहीं, क्या बात करें, उसने सिद्ध चक्र विधान किया था? सिद्ध चक्र विधान ही नहीं था। माने कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता है हमारे लोगों के दिमाग में कि श्रीपाल मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया और उससे कुष्ठ रोग दूर हो गया। श्रीपाल जी चौथे काल में हुए थे, महापुरुष थे, तद्भव मोक्षगामी महापुरुष। चौथे काल में ही उनका निर्वाण भी हो गया, चौथे काल में मोक्ष भी चले गए। जो चौथे काल में मोक्ष चले गए और लेखन का इतिहास हमारे सामने मिलता है 2000 वर्ष का, चौथा काल प्रारंभ हुए 2500 वर्ष हो गए। अब 2500 वर्ष से चौथा काल चल रहा है और हम कहते हैं चौथे काल में सिद्ध चक्र विधान किया था। कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है श्रीपाल के द्वारा ये सिद्ध चक्र विधान किया गया हो या मैना सुंदरी के द्वारा सिद्ध चक्र विधान किया गया हो, इसका उल्लेख ही नहीं है कहीं भी। कहाँ से चल रही है बात? प्रथमानुयोग के कथन में सिर्फ इतना कथन जरूर मिलता है कि वो सिद्धों का गुणगान किया, बस इतना सा कथन मिलता है। और सिद्धों के गुणगान के इस कथन को सिद्ध चक्र विधान बना दिया, फिर सिद्ध चक्र विधान के गीत गाए जाने लगे और फिर सिद्ध चक्र विधान बोले इससे तो कुष्ठ रोग दूर होता है। कितनी बड़ी मान्यता हो गई है पूरे दुनिया भर में, इससे कुष्ठ रोग दूर करने का उपाय चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ये कुष्ठ रोग मिटाने वाला सिद्ध चक्र विधान ये सब स्वस्थ लोगों के बीच में क्यों करते हैं? यार कुष्ठ रोगी कम है क्या हिंदुस्तान में? कुष्ठ रोगियों को बिठा करके सिद्ध चक्र विधान करें तो बेचारों का कुष्ठ रोग दूर हो, हमारे तो कुष्ठ रोग है ही नहीं, तो कुष्ठ रोग मिटाने के लिए क्यों सिद्ध चक्र विधान किया जाता है? इस सिद्ध चक्र विधान का कुष्ठ रोग होने से या मिटने से किसी भी प्रकार का कोई संबंध
दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिद्ध चक्र विधान किया मैना सुंदरी ने और कुष्ठ रोग दूर हो गया श्रीपाल का, ये बात कैसे संभव है? मुझे तो सोच सोच करके ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने कार्य किया और उसका फल श्रीपाल को मिल गया, ये कैसे होगा? काम कोई करे, फल किसी और को मिल जाए। पुण्य कर्म आप करो और फल आपके भाई साहब ले जाए, ये क्या चक्कर है भाई साहब? कर्म तो मैंने किया था, अच्छा काम तो मैंने किया था, इसका फल जबरदस्ती हमारे भाई साहब को मिल गया। चलो भाई साहब को भी मिल जाए, अपने को तो मिलना चाहिए क्या? हमारे भाई साहब हैं उनको भी मिल गया, लेकिन हमारे को तो उसका फल मिले। ये कैसा महामिथ्यात्व है, ये कैसा गृहित मिथ्यात्व बैठा हुआ है, और सब लोग इस चक्कर में उलझे हैं, फल पाए हो मैना रानी, पता नहीं, समझ में नहीं आती ये बात। फिर दूसरी और बात ये है कि सिद्ध चक्र विधान, पूरे सिद्ध चक्र विधान में कहीं पर भी एक भी स्थान पर ये नहीं लिखा गया कि ये सिद्ध चक्र विधान कुष्ठ रोग के निवारण का उपाय करता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी का नामोल्लेख तक नहीं किया भाई साहब। लगभग कितने पेज का विधान है ये? लगभग 250 पेज का विधान, और 250 पेज के इस विधान में ढाई लाइन नहीं लिखी, ढाई लाइन छोड़िए आधी लाइन नहीं लिखी श्रीपाल और मैना सुंदरी के संदर्भ में। इसका मतलब ये सिद्ध चक्र विधान कितना विशुद्ध भावना से लिखा गया कि भाई श्रीपाल और मैना सुंदरी से कोई संबंध नहीं है, ये तो जो जीव इस सिद्ध चक्र का गुणगान करता है उस जीव को भविष्य में उत्तम फल की प्राप्ति होती ही होती है। इसलिए इस सिद्ध चक्र विधान का संबंध किसी भी रूप में श्रीपाल मैना सुंदरी से मानना वो महामिथ्यात्व है, और इससे कुष्ठ रोग दूर मानना तो और बड़ा मिथ्यात्व है। सिद्धों का गुणानुवाद करने से शरीर प्राप्त नहीं हुए तो समझ में आता है, ये सिद्ध भगवान के तो शरीर ही नहीं है। सिद्धों का गुणवान करने से अशरीरी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, ये तो हो सकता है, लेकिन उनके गुणगान करने से हमें कुष्ठ रोग नहीं होगा ये तो महामूढ़ता है। तो कुल मिलाकर के ये सिद्ध चक्र विधान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाना ऐसा समझना, ये मान्यता खोटी मान्यता है, और ये मान्यता जितनी भी जल्दी टूटे उतना ही श्रेयस्कर है, उतनी ही जल्दी ये मान्यता टूटनी चाहिए। इसके संबंध में जो महिमा की कुछ पंक्तियां चला करती थी, उन पंक्तियों के आधार पर आदरणीय बड़े दादा रतनचंद जी भारिंद्र साहब ने बड़े सुंदर रचना की है, उसी धुन पर उसी तर्ज पर बहुत सुंदर गंभीर भाव भरे हैं, यथार्थ चित्रण किया है उसका, उसकी कुछ पंक्तियां अपने यहां से लेते हैं। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। क्या कह रहे हैं? श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। हम सिद्धों की अगवानी करने के लिए यहाँ सामने खड़े हैं, लेकिन सिद्धों की अगवानी क्या करेंगे? वे सिद्ध भगवान आते कहाँ हैं जिनकी अगवानी की जरूरत है? सिद्ध भगवान आते ही नहीं है नीचे। हम लाख प्रयास करें सिद्धों को बुलाने का, अत्र अवतर अवतर सिद्ध परमेश जी ने बुलाओ नीचे, सिद्ध भगवान नीचे अत्र अवतर अवतर आ जाओ, आते ही नहीं है, कहाँ आएंगे सिद्ध भगवान? अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निधौ, अरे भाई सिद्ध भगवान आते ही नहीं है। ये संसारी जीव कितना सिद्ध जीवों को बुलाने का प्रयास करे कि वे सिद्ध भगवान वहां से उतर करके यहाँ आ जाएं। एक बार जो सिद्ध हो गए हैं
वे सिद्ध परमात्मा कभी भी पुनः लौट कर संसार में नहीं आते। तो फिर क्या है सिद्ध चक्र विधान का फल? सिद्धों की सामर्थ्य तो ऐसी है कि ये सिद्ध चक्र विधान करने वाला भव्य जीव ये सिद्धों में भी शामिल हो जाता है जाकर के। तो यहां कह रहे हैं सिद्धों का सुमिरन करने से, उनके अनुशीलन चिंतन से, प्रगटे शोधात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिव रजधानी। क्या लिख दिया? सिद्धों का सुमिरन करने से, सिद्ध भगवान का स्मरण करने से, उनके गुणगान करने से, उनकी महिमा गाने से, और उनके अनुशीलन चिंतन से, उनका अनुशीलन करने से, उनका चिंतन करने से, हे सिद्ध परमात्मा आपने सिद्ध दशा की कैसे प्राप्ति की है, जो जीव उस विधि को अपनाता है वो क्या करता है? प्रगटे शोधात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिव रजधानी। मुक्ति की जो राजधानी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इतने सरल भाषा में यहाँ बात कर रहे हैं। इसकी जगह जो पंक्तियाँ थी फल पायो मैना रानी, मैना रानी ने फल प्राप्त कर लिया, तो फल मैना रानी ने प्राप्त किया कि श्रीपाल जी ने प्राप्त किया? अब श्रीपाल जी ने प्राप्त किया तो मैना जी कहाँ से आ गए? मैना जी ने प्राप्त किया तो श्रीपाल जी कहाँ से आ गए? और सिद्ध चक्र विधान यदि मैना सुंदरी ने किया तो श्रीपाल को उसका फल मिल गया। काम करे कोई फल मिल जाए किसी और को, कैसा गड़बड़ काम है, बड़ा घोटाला है। तो सब मने विधान करो आप और पुण्य ले जाए कोई दूसरा व्यक्ति बटोर के बैठे रह जाओ। बोले क्या हुआ? बोले पुण्य तो वो ले गए आपका, आपके पास तो कुछ नहीं बचा। कितनी गड़बड़ी है। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट नियम है, जो व्यक्ति पुण्य करेगा उस व्यक्ति को उस पुण्य का फल मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जिस भावना से पूजन की जा रही है उसी भावना से इस सिद्ध चक्र विधान का भाव समझना चाहिए। श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, वे स्वपर वेद वे ज्ञानी थे, निज देह नेह को त्याग भक्ति और आनी, हो गई पाप की हानि। श्रीपाल के जीवन में परिवर्तन क्यों हुआ? श्रीपाल तो तत्व श्रद्धानी जीव थे, उन्हें तो तत्व पर आस्था थी, तत्व पर श्रद्धा थी उनको, तो उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था, अरे हो गया होगा कदाचित, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, सिद्ध चक्र विधान उन्होंने किया होगा, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया होगा। लेकिन कुष्ठ रोग दूर करने के लिए सिद्ध चक्र विधान, ऐसा तो श्रीपाल जी के माध्यम से तीन काल में संभव नहीं है। श्रीपाल तीन काल में ऐसा कार्य नहीं कर सकते। कह रहे हैं यहां श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, वे स्वपर वेद वे ज्ञानी थे, निज देह नेह को त्याग भक्ति और आनी, पाओगे क्या लिखा? हो गई पाप की हानि। अरे देह के प्रति नेह का त्याग कर दिया उन्होंने, तो देह के प्रति स्नेह का त्याग करने से ये देह चले गई सदा सदा के लिए। आप क्या कुष्ठ रोग की बात करते हैं? सिद्ध चक्र विधान करने से ये श्रीपाल जी की देह छूट गई सदा सदा के लिए। हमें क्या लगता है कुष्ठ रोग छूट गया? अरे कुष्ठ रोग क्या कोई रोग ही नहीं रहा? अरे रोग क्या देह ही नहीं रही? मतलब देह से अतीत हो गए, देह से पार हो गए, ऐसा गजब का काम हुआ सिद्ध चक्र विधान इसको रचने से। भाई साहब सिद्धों का गुणगान करने से तो सिद्ध दशा की ऐसी प्राप्ति होती है जहां देह का नामो निशान नहीं रहता है, शरीर ही नहीं रहा, शरीर का अंश मात्र नहीं रहा, तो शरीर के रोग उनके जीवन में कैसे हो सकते हैं? तो देह को देह के नेह का त्याग करें और हृदय में भक्ति भरी हुई हो तो चमत्कार होते हैं।
मैना सुंदरी के क्या हाल है? मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी, अशुभ भाव से बचने को जिन भर की पूजन ठानी, पाओगे शिव रजधानी। मैना भी तो आत्मज्ञानी थी। श्री बाल ने कदाचित नहीं किया हो सिद्ध चक्र विधान, मैना ने कर लिया होगा। अरे वो भी तो आत्मज्ञानी थी, आत्मानुभवी थी। पूर्व में भले ही सम्यक्व नहीं रहा हो, स्त्री पर्याय में जन्म लिया ना, इसलिए सम्यक्व तो नहीं रहा था पूर्व जन्म में। जन्म के समय तो मिथ्या दृष्टि थी, लेकिन स्त्री पर्याय को प्राप्त करके वेद विज्ञान के दम पर उस जीव ने वर्तमान में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो कहते हैं आत्मज्ञानी थी और जिन शासन की श्रद्धानी थी, जैन शासन के ऊपर भरपूर श्रद्धा रखने वाली थी, और अशुभ भाव से बचने के लिए उसने तो जिनेंद्र देव की पूजन की स्थापना की थी। जिनेंद्र देव की पूजन उसने ऐसे ही नहीं रची थी, जिनेंद्र देव की पूजन कोई कुष्ठ रोग दूर करने के लिए नहीं रची गई थी, और कुष्ठ रोग दूर करने की तो भावना भी नहीं थी, मन में विकल्प भी नहीं था। सहज ही अष्टानिका महापर्व का प्रसंग बना और ऐसी ही भावना बन गई कि चलो सिद्ध परमात्मा का गुणगान करते हैं, और सिद्धों का गुणगान किया उसने। तो अशुभ भाव से बचने के लिए उसने जिनेंद्र देव की पूजन करने की ठानी थी। अशुभ भाव से बचने को जिन भर की पूजन ठानी, पाओगे शिव रजधानी। मुक्ति की राजधानी प्राप्त हो जाएगी, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी, यदि तुम भी अशुभ भाव से बचने के लिए जिनेंद्र देव की पूजन की स्थापना करेंगे तो। और यदि हमने जिनेंद्र देव की पूजन इस भावना से की कि कदाचित हमारे अशुभ भाव टल जावे, अशुभ कर्म टल जावे, तो अशुभ टलना तो बहुत दूर की बात है, अशुभ और इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हमें लगे कि भाई अशुभ कर्म टल जाएंगे तो गलत फहमी में हम, अशुभ कर्म तो टलेंगे नहीं, अशुभ कर्म और ज्यादा बनेंगे। इसलिए सावधान रहना, मिथ्या तो पुष्ट हो जाएगा तो अशुभ बनेंगे ना और ज्यादा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां भाई साहब, जैन शासन के श्रद्धानी बनो, जैन शासन की दृढ़ श्रद्धा हृदय में रखो। मुझे मालूम है माने इस सभा में तो कम से कम ऐसे लोग नहीं ही होने चाहिए जो इस तरह की मान्यता रखते हों, फिर भी कदाचित हमारे परिवारजनों में कुछ ऐसे लोग हों जिनकी ऐसी मान्यता हो, जिनका ऐसा अभिप्राय हो, तो वो दूर हो जाना चाहिए। माने कितना स्पष्ट है, ये तो OMG आई थी ना, एक मूवी आई थी, क्या क्या दिखाया था उसमें, बोले ये क्या काम है, ये क्या करते हुए, ये इसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और इसका चार्ज पे लगा दो, ये चार्ज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बोले काम करेगा ये और फल मिल जाएगा इसको, ये कैसे होगा। कोई व्यक्ति पाप कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को मिल जाए, ये कैसे संभव है। कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को मिल जाए, क्या ये बात संभव है, क्या ये न्याय है। सब ये चाहते हैं कि भाई साहब उनका पुण्य का फल हमारे को मिल जाए, सोचते सब ऐसा ही है, हमें उनके पुण्य का फल मिल जाए। और लोग इस तरह की बातें भी करते, रोड पर चलते चलते आज बहुत बड़े एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्या हुआ, वो हमारे अम्मा जी का कुछ दिया लिया आड़े आ गया, वो बहुत पुण्य करती थी, क्या है? हम तो कुछ करते नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है जीवन भर, लेकिन अम्मा जी बहुत धर्म करती थी, उनका पुण्य हमारे काम आ गया, अच्छा है ना। फिर किसी ने बहुत पाप किए हो, उसका पाप रे, वो पाप क्यों आएगा मेरे माथे, उसने किया था पाप। अरे पुण्य को तो आप लेने को तैयार हैं और पाप को लेने को तैयार नहीं। जब पुण्य मिल सकता है आपको तो पाप क्यों नहीं मिल सकता है। लेकिन पाप के अंदर तुरंत हम सतर्क हो जाते हैं, नहीं नहीं पाप तो नहीं हो सकता, पाप तो नहीं हो सकता भाई साहब, पुण्य भी नहीं हो सकता,
हर व्यक्ति का इंडिविजुअल पुण्य है, अपना अपना पुण्य है, अपना अपना पाप कर्म है। हर व्यक्ति को अपने कर्म के सिवाय दूसरे कर्म का फल रंच मात्र भी नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए वो जिनवाणी पढ़ने सुनने का पात्र जीव है, नहीं तो आप अन्याय कर रहे हैं। देखो आप क्या लिखते हैं आगे, भव भोग भोग ई छोड़ योगीश भये, श्री पाल ध्यान धरि मोक्ष गए, दूजे भव में ना पाए शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। केवल कहानी लिखी हुई रह गई है, ये तो मोक्षगामी जीव है। श्रीपाल तो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, गए जाने वाले क्या हैं, श्रीपाल तो उसी भव से निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं, और मैना अगले भव से जाएगी, एक भव बाद जाएगी, अभी स्वर्ग में चलेगी, स्वर्ग से आकर के मनुष्य भव प्राप्त करके वो निर्वाण की प्राप्ति करेगी। अब ये कितनी स्पष्ट सटीक बात है, श्रीपाल निर्वाण चले गए, मैना सुंदरी निर्वाण को प्राप्त करेगी, और ये बाकी तो कहानी मात्र रह गई है। ये ऐसा समझ रहे हैं कि इससे अपना भी हो जाएगा कुछ कल्याण, कैसे होगा? माने कितनी सटीक बातें हैं, स्पष्ट बातें हैं, फिर भी इन जीव को ये स्पष्ट बातें समझ में नहीं आती है। देखो फिर आगे सिद्धांत की बात करते हैं कुछ। प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से मिटता है मोह तिमिर मन से, निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता, भवि प्राणी पाते निज निधि विसरानी। ये असली काम है सिद्ध चक्र विधान को पढ़ने का। सिद्ध चक्र को विधान को पढ़ करके क्या किया जाना चाहिए, सिद्ध चक्र विधान का भाव क्या होना चाहिए, इस सिद्ध चक्र विधान का मर्म क्या है? तो ये कह रहे हैं प्रभु की दर्शन करने से, प्रभु के अर्चन से, प्रभु की पूजन करने से मिटता है मोह तिमिर मन से। मन से मोह मिट जावे, मन से ये मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जावे, ये काम है सिद्ध चक्र विधान का। वास्तव में सिद्ध चक्र विधान माने सिद्धों का गुणगान, और सिद्धों का गुणगान माने अपने स्वरूप का गुणगान। जितने विशेषण सिद्ध परमात्मा पर लागू होते हैं वे निश्चय से परमार्थ से देखा जाए तो अपने आत्मा पर लागू होते हैं। अरहंत भगवान पर जो विशेषण लागू होते हैं वे विशेषण लागू हो जरूरी नहीं है आत्मा पर। सिद्धों के स्वरूप से आत्मा के स्वरूप का मिलान 100% होता है। जब जब आत्मा के स्वरूप को देखना हो कि मेरा आत्मा का स्वरूप कैसा है, एक काम कीजिए, आप सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को देख लीजिए, बस जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, सिद्धों के समान है मेरा स्वरूप। अब इसमें रंच मात्र भी कहीं, रंच मात्र सिद्ध स्वरूप से कम नहीं और सिद्ध स्वरूप से रंच मात्र अधिक नहीं। ये मूल स्वरूप प्रकट जहां हो गया है वो स्वरूप है सिद्ध दशा। सिद्धों से मिलान करके देखो, सिद्धों के मूल स्वरूप से अपने स्वरूप को देखो जरा, आपको पता लगेगा कैसा है मेरा स्वरूप। मेरे स्वरूप में अनंत अनंत गुण वर्तमान में मौजूद हैं, न केवल अनंत अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, ऐसी शक्तियां, ये सब शक्तियां मेरे स्वरूप में वर्तमान में उछले, ऐसा है मेरा स्वरूप, ऐसा मेरा स्वरूप है। और मैं अपने आप को कमजोर मान करके बैठा हूं, देखो कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। अपने आप को कमजोर मान करके बैठे हैं और हैं साक्षात सिद्ध परमात्मा जैसे। तो हम सिद्ध परमात्मा जैसे हैं ये अनुभव करने की बात है। प्रभु दर्शन वंदन अर्चन से मिटता है मोह तिमिर मन से, निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता, भवि प्राणी पाते निज निधि विसरानी। अपनी जो निधि है जो विसर गई है, अपनी वो निधि जिस निधि को भूल गए हैं, उस निधि को पाने का अवसर मिलता है
निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता है। ये भव्य प्राणी, ये जगत के भव्य प्राणियों को ये सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से सिद्धों का गुणगान करने का अवसर मिलता है, सिद्धों का स्वरूप समझने का अवसर मिलता है। सिद्ध चक्र गुणगान का मतलब सिद्धों के स्वरूप का स्मरण, और सिद्धों के स्वरूप का स्मरण माने अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करो। आत्म स्वरूप का स्मरण कैसे करेंगे बताओ? जैसे सिद्ध परमात्मा वैसा मेरा स्वरूप, जैसे उनकी पर्यायें वैसी मेरी स्वभाव में अवस्थाएं मौजूद है, और ये स्वभाव जब प्रकट होता है तो सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं निज सिद्ध सिद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता है। हे भव्य प्राणियों, ये निज आत्मा का जैसा स्वरूप है उसे समझने का अवसर एकमात्र सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जितने आज तक विधान लिखे गए, सैकड़ों विधान हैं समाज में और सैकड़ों विधान किए जाते हैं, उन सब विधानों का राजा कहलाता है सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध चक्र विधान की कोई सानी नहीं है, सबसे बड़ा विधान है ये सिद्ध चक्र विधान। इस जैसा कोई विधान दूसरा नहीं है। क्यों है ये सबसे बड़ा विधान? क्यों है दोबारा सिद्ध चक्र विधान क्यों नहीं लिखे गए? लिखा गया एक आध कोई, लेकिन जो चलता है वो यही चलता है। संत लाल जी कवि ने आज के 250 वर्ष पहले लिखा है, 200 वर्ष पहले, लगभग 200 साल हो गए संत लाल जी कवि को, नकुड़ के रहने वाले थे। ये सिद्ध चक्र विधान लिखा गया 200 साल पहले, और घटना है चौथे काल की, और इस सिद्ध चक्र विधान को करने से वो चौथे काल के अंदर कुछ लोग दूर हो गया था, नहीं हुआ था वो कुष्ठ रोग, उस समय तो था ही नहीं ना विधान, तो कोई और विधान किया होगा जरूर, कोई ना कोई और होगा। जिस विधान को करने से वहां हुआ होगा वो तलाशना चाहिए अपने को, ये कुष्ठ रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है लोगों का? क्या अशोकी भाई साहब, हमारे कोर्ट हो गया था, हमारे एक सज्जन थे, उनको सिद्ध चक्र विधान में बिठाया, और करीब 8-10 बार उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया और दूर ही नहीं बल्कि कुष्ठ रोग और बढ़ता चला जा रहा है। ये चक्कर क्या हो रहा है, उल्टा काम क्यों हो रहा है? बोले ये जो सिद्ध चक्र विधान है, जो सिद्ध चक्र विधान उस कुष्ठ रोग दूर करने के नाम पर चल रहा है, ये वो विधान था ही नहीं, असली नहीं है ये विधान। असली विधान तलाशना चाहिए। बोले असली विधान मिल सकता है? कहां मिल सकता है? बोले देखो आप कहां मिलेगा, देखो तलाशना चाहिए अपने को, कहीं ताड़ पत्रों में हो। दक्षिण भारत भी गया था अभी मैं, वहीं से आया हूं सीधा, मैंने कहा वहां मिल जाए तो ले चले, तो मिला नहीं वहां भी। बोले क्या करें सिद्ध चक्र विधान का भाई साहब, ये कितनी बड़ी, मतलब क्या चल रहा है? आप देखिए दिल्ली में तो हर अष्टानिका में 50-50 जगह है ये सिद्ध चक्र विधान होता है। दिल्ली में 50 दिगंबर जैन मंदिरों में हर अष्टानिका के अवसर पर कम से कम 50 मंदिरों में ये सिद्ध चक्र विधान होता है। तीनों अष्टानिका में साल में 150 बार सिद्ध चक्र विधान होता है वहां। फिर भी कुछ रोग बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में कुछ रोगी बहुत है, क्या करें? तो सब गड़बड़ चल रही है भैया। ये तो ऐसा स्वरूप है जो महिमा यहां बतला रहे हैं, इस स्वरूप को समझने से सिद्ध बनने का अवसर प्राप्त होता है। और जब सिद्ध बनने का अवसर प्राप्त होता है, जो जब जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर लेता है, तो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाने पर न कुष्ठ रोग रहता है और न शरीर रहता है। ये जीव शरीर मात्र से रहित हो जाता है, ये शरीर से मुक्ति का मार्ग है यहां ये सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से। देह मुक्ति विधान है ये, तो हम देह उपचार विधान समझ रहे हैं, देह मुक्ति विधान है यहां, तो देह से मुक्ति प्राप्त होती है सिद्ध चक्र विधान को करने से। तो कह रहे निज शिव शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता, भवी प्राणी पाते निज निधि विसरानी। अरे जो निधि अंतर में मौजूद है, जो खजाना आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका है, वो बिसरा हुआ खजाना वो प्राप्त कर लेते हैं इस सिद्ध चक्र विधान को करने से। ये सिद्ध चक्र विधान तो खजाने की चाबी है, इस सिद्ध चक्र विधान में वो खजाना बतलाया जाता है
इस सिद्ध चक्र विधान में वो रत्न बतलाए जाते हैं, उन गुणों का वर्णन किया जाता है। लगभग 1700-1800 से ज्यादा, 1800 से भी ज्यादा छंद हैं इसमें, टोटल छंद होंगे इसमें, माने 8, 16, 32, 64 वगैरह से डबल डबल करते हुए 128, 256, 512 फिर 1024, तो 1024 और 500 और फिर उससे पहले 250 और फिर उससे पहले, तो एक करीब करीब 1800 के आसपास छंद हैं। कितने? 2024 है, 2024 तो नहीं होगी, 2024 है, ठीक है 2024। अब आप सोचो 2024 छंदों में उस भगवान आत्मा की महिमा गई, क्या उस आत्मा के गुणगान किए गए। तो ये कह रहे हैं अब ये क्यों क्यों हुआ, ये सब ये काम क्यों हुआ, बोले ये क्यों ठानी है आपने इस विधान को करने की। भक्ति से उर हर शाया है, उत्सव से पाठ रचाया है, जब हर्ष ही न समाया तो फिर नृत्य करन की ठानी, जिन वर भक्ति सुखदानी। भक्ति से हृदय हर्षित है, ये भक्ति भावना हृदय में जागृत हुई है और उत्सव करके हमने पाठ रचाया है सिद्ध चक्र विधान का। से सरल शब्दों के अंदर लिख रहे हैं बात, जब हृदय में हर्ष समाता नहीं है तो वाणी में फूट पड़ता है, वाणी में भी नहीं समाता है तो काय में दिखने लगता है, मन वचन और काय, तो काया में यदि फूट पड़ा है इसका मतलब कितना हर्ष होगा। आप देखिए जब मन के भाव मन में नहीं समाते हैं तो वचन में फूट पड़ते हैं, जब भाव वचनों में नहीं समाते हैं तो काया में फूट पड़ते हैं, और यहां नृत्य करने की ठानी। जिनवर भक्ति सुखदानी, ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का उत्कृष्ट माध्यम है सिद्ध चक्र विधान। इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से जिनेंद्र देव की सर्वोत्कृष्ट जिनेंद्र देव की भक्ति ये यहां सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से की गई है। सिद्ध चक्र विधान माने अपने स्वरूप का गुणगान, सिद्धों का गुणगान माने अपने स्वरूप से मिलान करने का अवसर ये यहां होता है। देखो और क्या कहते हैं, सब सिद्ध चक्र का जाप करो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो, नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, बन जाओ शिव पथगामी। क्या लिख रहे हैं, सब सिद्ध चक्र का जाप करो, नहीं का मन में ध्यान करो, सिद्ध चक्र का जाप करो भैया, सिद्ध चक्र का जाप करो। अब सिद्ध चक्र का जाप क्या होता है, कैसे होता है सिद्ध चक्र का जाप, सिद्धों का जाप कैसे होता है, नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम, ये सिद्ध चक्र का जाप है क्या? सिद्ध भगवान का जाप कैसे करें, सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान, ये सिद्ध का जाप है क्या? सिद्धों का जाप कैसे करें, मेरे को समझ में नहीं आ रही है, सिद्धों का जाप कैसे करें? बोले सिद्ध स्वरूप का अपने स्वरूप में स्मरण करो, सिद्धों जैसा अपना स्वरूप है उनके स्वरूप से अपने स्वरूप को मिलान करो, जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप इस देह देवालय में विराजमान है, इस तरह मिलान करो उनका, सिद्धों से किंचित मात्र भी कम मैं नहीं हूं ऐसा श्रद्धान करो। ये सिद्धों का जो जाप करने की बात है इसका मतलब ये कि मैं सिद्ध हूं इस तरह का अनुभव करो भाई। जब आपको सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी है तो आचार्य देव ये कहते हैं कि भैया सिद्ध दशा की प्राप्ति करने के पहले तुम ये नक्की तो करो कि तुम सिद्ध हो। जब सिद्ध दशा अंदर में होती है तो सिद्ध दशा बाहर में प्रकट होती है, जिनके अंतर में सिद्ध दशा नहीं होती वो बाहर में सिद्ध दशा कैसे प्रकट होगी। सिद्ध दशा प्रकट करनी है हमारे को तो प्रकट करनी है, इसका मतलब अंदर छिपी हुई है ना, प्रकट करनी का मतलब क्या है, आप क्या कहते हैं, सिद्ध दशा प्रकट करो, सिद्ध दशा प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो,
प्रकट करने का मतलब क्या होता है? प्रकट करने का मतलब यह है अंदर में वो दशा मौजूद है, भले ही शक्ति रूप से सही, लेकिन अंदर में मौजूद है तो उसकी व्यक्ति होगी। शक्ति की व्यक्ति हुआ करती है, जो चीज शक्ति में मौजूद होती है वो चीज व्यक्त होती है, जो शक्ति में नहीं है वो व्यक्त भी नहीं हो सकती है। तो यहां कह रहे हैं ये सिद्धों का जाप करो, कैसे करो सिद्धों का जाप? सिद्ध स्वरूप का अनुभव करो, कैसे करें सिद्ध स्वरूप का अनुभव? कि मैं सिद्ध हूं इस बात का भरोसा, जो गुरुदेव बार बार में कहा करते थे कि हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। कैसी बातें हैं ये? कैसे नक्की करना है, कैसे निर्णय करना है, कैसे अनुभव करना है? अपने आप को पर्याय मात्र से जब परे देखा जाता है तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये बात निकलती है अंदर से। सिद्धों जैसा बनना नहीं है, मैं सिद्ध स्वरूप हूं इस बात की स्वीकृति करनी है। जिसे इस बात की स्वीकृति हो जाती है कि सिद्ध स्वरूपी हूं मैं, उसके सिद्ध दशा प्रकट होने का मार्ग शुरू हो जाता है। प्रकट होगी सिद्ध दशा, प्रकट होगी सिद्ध दशा। कैसे प्रकट होगी? प्रकट कैसे होती है? कोई चीज, कोई चीज ढकी हुई हो वो अप्रकट है, उसको उगाड़ दिया जाए तो प्रकट हो जाती है। किसी भी चीज को प्रकट करने की क्या विधि है, क्या उपाय है बतलाओ? प्रकट करना, अनावरण करना। अनावरण करने का मतलब आवरण थे उस चीज के ऊपर, अनावरण कर दिया अपन ने। अरे ये चीज तो है, अब उसका अनावरण किया गया है। अनावरण किया तो वो चीज ज्यों की त्यों दिखाई देने लगी। अनावरण करने का मतलब वो चीज कहीं से बना दी गई हो ऐसा नहीं है, वो चीज तो है पर्दे के पीछे, हमने तो उसका अनावरण किया है। वर्तमान में ज्ञानावरणी आदि कर्मों के पीछे हमारी सिद्ध दशा ज्यों की त्यों मौजूद है, प्रकट पर्याय में नहीं है। ध्यान रखना, क्या पर्याय में प्रकट स्वरूप नहीं है, उसका निषेध करते हैं टोडरमल जी साहब, लेकिन शक्ति रूप से वो मौजूद है। अंदर में सिद्ध बनने की शक्ति मेरे में सदा काल मौजूद है, सिद्ध परमात्मा बनने की शक्ति है मेरे में, सिद्ध बनने की सामर्थ्य है मेरे में। ये कह रहे हैं भैया उनका जाप करो, उन्हीं का मन में ध्यान करो। मन में कैसे ध्यान करें कि मैं सिद्ध हूं ऐसा ध्यान करो? हे सिद्ध परमात्मा, आप सिद्ध परमात्मा हैं, मैं अल्पज्ञ हूं, आप सर्वज्ञ हैं, आप वीतरागी हैं, मैं रागी हूं, ऐसा नहीं, इस तरह का ध्यान नहीं करना है। यहां जो ध्यान करना है ये कह रहे हैं उन्हीं का मन में ध्यान करो, उन्हीं सा मन में ध्यान करो। तो उससे क्या होगा? नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, पाप भाव रंज मात्र मन में नहीं रहेगा, और बन जाओ शिवपदगामी, शिवपदगामी बन जाओ, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा अंतर में। ये मार्ग बता रहे हैं यहां, सीधा सरल सा मार्ग है। देखो अंतिम छंद में क्या कहते हैं यहां, जो भक्ति करे मन वचन से वह छूट जाए भव बंधन से, भवि जन भज लो भगवान भगति और आनी, बन जाओ शिव पथ गावी, श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, सिद्धों की अगवानी। सिद्धों की अगवानी करने का प्रसंग आ गया है, सिद्धों के गुणानुवाद करने का यह प्रसंग आ गया है। भक्ति करें मन वचन से, अकेला तन से नहीं, हमारी भक्ति होती है वो तन से भक्ति होती है, तन से भक्ति हो, वचन से भक्ति हो और मन से भी भक्ति हो। विचार करना, यहां जो सिद्ध बनने का मार्ग शुरू होगा ये तन से, वचन से और मन से भी करने से सिद्ध बनने का मार्ग शुरू होगा। हमने वचन से और तन से तो सिद्धों की भक्ति आज तक अनंत बार की है, लेकिन मन से सिद्धों की भक्ति वो कभी नहीं हुई है। और मन से सिद्धों की भक्ति कैसे होती है? कि जब मन में सिद्ध स्वरूप का स्मरण किया जाता है तो ये सिद्ध भक्ति होती है। वंदित तो सब सिद्धे कहकर के समय सार ग्रंथ के मंगलाचरण में ये सिद्ध चक्र विधान पूरा कर दिया, हो गया सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध चक्र विधान करने के लिए 2000 अर्घ चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, सिद्ध चक्र विधान में 2000 अर्घ चढ़ाएंगे,
किसने कह दिया 2000 आदमी चढ़ाने की कहां जरूरत है, एक बार सिद्ध चक्र विधान कर लिया, दोबारा सिद्ध चक्र विधान कराने की जरूरत नहीं पड़े, कर लिया ना सिद्ध चक्र विधान, बस अब तो चढ़ाओ अर्घ अपने आप को, सिद्ध चक्र विधान कर लिया हम अपने आप को अर्घ चढ़ाना क्या नहीं, कभी चढ़ाया है क्या अपने आप को अर्घ, अपने आप को कैसे चढ़ाएंगे अर्घ, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, अपने आप को अर्घ चढ़ाओ कैसे अर्घ चढ़ाएंगे, सुनील जी भाई साहब ओम ह्रीम श्री मैं कैसे फिर सुनील जिनेन्द्राए और फिर ऐसे अपने को अर्घ चढ़ाए कैसे चलेगा भाई साहब, हेमचंद जी साहब बोलो अपने को अर्घ कैसे चढ़ाए, अपने को अर्घ चढ़ाया है यहाँ सिद्ध चक्र विधान में, सिद्ध चक्र विधान में एक अर्घ चढ़ाया है, स्वरूप का अनुभव करके नहीं यहां साक्षात चढ़ाया है, त्रिकाल सिद्धिभ्यो नमः बोलो, त्रिकाल सिद्धिभ्यो नमः का अर्घ चढ़ाया है यहां, और त्रिकाल सिद्धिभ्यो के अंदर अपना नाम है कि नहीं है, भूतकालीन सिद्ध तो नहीं है हम, वर्तमान में भी सिद्ध नहीं है, भविष्यकालीन सिद्ध है कि नहीं, अपन भविष्यकालीन सिद्ध है क्यों नहीं है, हम नहीं बनेंगे क्या सिद्ध, जरूर बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, कभी ना कभी तो सिद्ध दशा की प्राप्ति हमारी भी होगी, और जब तीनों कालों के सिद्ध को अर्घ समर्पित करते हैं तो अपने आप को अर्घ उस अर्घ में शामिल होता है कि नहीं, जब त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ समर्पित करते हैं तो अपने आप को अर्घ चढ़ाते हैं या नहीं उसमें, तो ध्यान रखना आप जब वो अर्घ आए पूछूंगा आपसे कौन से नंबर का अर्घ है, अपने को चढ़ाया क्या, अपने को तो नहीं चढ़ाया, अपने को नहीं चढ़ाया तो तुमने सिद्ध चक्र विधान किया ही नहीं, सिद्ध चक्र विधान माने अपने आप को अर्घ चढ़ाने का अवसर, अपने आप को अर्घ चढ़ाना है, सिद्ध भगवान को अर्घ चढ़ा करके क्या करना है, ये कह रहे हैं जो भक्ति करे मन वचन से, भाई साहब तन से भक्ति हो गई, वचन से भक्ति हो गई, मन से भक्ति कैसे होगी, मन से भक्ति में जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को और अपने स्वरूप को परस्पर जब मिलान करके देखा जाता है, परस्पर में एक दूसरे के साथ में मिलान किया जाता है तो क्या होता है, वह छूट जाए भव बंधन से, हो गया काम और क्या है, भव बंधन से छूट गया वो जीव, ये सिद्ध चक्र विधान करके वो जीव अब भव के बंधन में नहीं पड़ने वाला है, भव के बंधन से छूट जाने वाला है सदा सदा के लिए, ये कैसा उपाय बतला रहे हैं यहाँ, यहाँ बंधने का उपाय नहीं है, यहाँ तो मुक्त होने का उपाय बतलाया जा रहा है, और इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं भविजन भजनो भगवान भगति और आनी बन जाओ शिव पथगामी, मोक्ष के पथगामी बन जाओ भैया, सरल सा उपाय यहां बतला रहे हैं, बोले जिनेन्द्र देव की भक्ति करो लेकिन मन वचन काय से करो, हमारी काय से भक्ति होती है, गहराई से विचार करें अपने अपने भक्ति करते हुए स्वरूप को देखें, अभी तो काय से भक्ति भी नहीं होती है, क्या बात बतलाएं आपको, वचन से भी नहीं होती है, मन की तो बहुत दूर की बात है, भक्ति करते करते ही मुख से पाठ आदि बोलते हैं, दृष्टि कहीं घूमती है, क्रिया और प्रवृत्ति कहीं और चल रही है, ये क्या हो रहा है, जिनेन्द्र देव और हमारे बीच में कौन आ गया है, पता है किसी के आते ही हम खड़े हो जाते हैं, किसी के आते ही किसी के हाथ में अर्घ देते हैं, इधर से पंडित जी बोलते हैं अर्घम निरूपामी थी स्वाहा, हम अर्घ चढ़ाते हैं दूसरे व्यक्ति के हाथ में, कौन जिनेन्द्र देव, बोले अर्घम तुम चढ़ाओ अभी तुम उनके हाथ में चढ़ा रहे हो, वो भगवान को चढ़ाएगा, क्या कर रहे हो आप, भगवान के और हमारे बीच में कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए, सिर्फ जिनेन्द्र देव, सिर्फ जिनेन्द्र भगवान और मैं, हम दोनों के बीच में कौन आ गया, यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति का स्थान नहीं है, तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं है यहाँ पर, ऐसी होती है जिनेन्द्र देव की भक्ति, ऐसे होती है जिनेन्द्र देव की स्तुति, ऐसे मन वचन तन से जब जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की जाती है तो फिर भव के बंधन ये रहते नहीं है,
सिद्ध स्वरूप का स्मरण करने से, अरे स्मरण मात्र यदि सिद्ध परमात्मा का हो जाए, सिद्धों का स्मरण हो जाए, माने सिद्ध स्वरूप का जब स्मरण हो जावे, फिर कहाँ रहेगा दर्शन मोह, कहाँ रहेगा मिथ्यात्व, कहाँ रहेगी अनंतानुबंधी कषायें, ये कषायों का नामो निशान मिट जाता है। हे भव्य जीवो, ऐसी भक्ति करो, सच्ची भक्ति करो, किसी तरह की अपेक्षा मत रखो, किसी तरह की लाग लपेट नहीं होवे, किसी तरह की रोग और बीमारियों को दूर करने का प्रसंग नहीं होवे। अरे क्या तू एक छोटे सी बीमारी को दूर करने की बात करता है, ये सिद्ध चक्र विधान तो जगत की सारी बीमारियों को दूर कर देता है। तू कह रहा है कुष्ठ रोग नहीं होगा और कैंसर हो जाएगा, कैंसर से मरेगा क्या? नहीं नहीं, कैंसर भी नहीं चाहिए, फिर क्या बात करता है। हम कह रहे कोई रोग नहीं होगा सिद्ध चक्र विधान करने से, तो कह रहे नहीं नहीं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग क्या करता है तू, दुनिया का कोई रोग नहीं होवे, ऐसा उपाय बतलाया है यहां सिद्ध चक्र विधान में, जगत का किसी तरह की बीमारी नहीं होवे। अरे जगत की बीमारियों की क्या बात करते हो, अंतरंग में जो बीमारियां व्याप्त दिखाई देती है, ये अंतरंग की भी सर्व बीमारियां जिससे मिट जावे, ऐसा विधान है ये सिद्ध चक्र विधान, ऐसा विधान कर रहे हैं यहां पर। और क्या होगा, ये भक्ति जब हृदय में जागृत होगी तो क्या होगा, सच्चे अर्थों में बन जाओ शिव पथगामी, ये भावना भरे हैं भाई, यहाँ तुम तो मोक्ष के अनुगामी बन जाओ, मुक्ति पथ के पथिक बन जाओ, सच्चा रास्ता मिल गया है हमारे को। श्री सिद्ध चक्र गुणगान, ये सिद्ध चक्र गुणगान क्या चीज है, सिद्धों के समूह का गुणगान, एक साथ सब सिद्धों का स्मरण किया हमने। अरे एक सिद्ध के स्मरण में अनंत अनंत सिद्धों का स्मरण हो गया, अनंत अनंत सिद्धों का स्मरण करने के लिए अनंत बार उपयोग को घुमाने की जरूरत नहीं है। एक सिद्ध परमात्मा का स्मरण किया, सिद्ध परमात्मा का स्मरण नहीं, सिद्ध स्वरूप का स्मरण किया, सिद्ध परमात्मा का स्मरण हो गया। सिद्ध स्वरूप और सिद्ध परमात्मा का जब स्मरण हुआ, अपने ज्ञायक का स्मरण हुआ, भगवान आत्मा प्रकट हो गया, वर्तमान पर्याय में प्रकट हो गया, अतिंद्रिय आनंद के झरने झरने लगे, ऐसा जबरदस्त काम हो जाता है। फिर कहते हैं कर सिद्धों की अगवानी, अरे सिद्धों की अगवानी नहीं, अब तो सिद्ध भगवान मेरी अगवानी करेंगे, हम करें सिद्धों की अगवानी कि सिद्ध भगवान करें हमारी अगवानी, बोलो क्या होगा। अब अनंत अनंत सिद्ध भगवान इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ इंतजार कर रहे हैं, शिव द्वारे अरिहंत खड़े हैं, सिद्ध खड़े हैं वहां, बुलाते हैं तुम्हारे, आ जाओ अब हमारे द्वारे। इस तरह से ये सिद्ध चक्र विधान की जो महिमा है, ये बड़ी गजब की महिमा है, और जगत में इसकी जो महिमा है वो सब धूल धूमिल हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ये दादा की पंक्तियों को आधार बना करके कुछ चर्चा करने का भाव हुआ, थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में की है, फिर यथा समय और आगे करेंगे चर्चा। चलिए।